द इंटीग्रल्स ऑफ टाइप नंबर फोर टाइप नंबर फोर में इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप दो टाइप के इंटीग्रेशन है वन इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेकेंड वन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप नंबर फोर में दो टाइप के इंटीग्रेशन दोनों टाइप कैसे न्यूमरेटर है वन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है ए एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर अंडर रूट ऑफ ए एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दोनों टाइप के इंटीग्रेशन यदि देखते हैं तो इसको कर लेंगे अपन टाइप नंबर फोर में और टाइप नंबर फोर सॉल्व करते वक्त सबसे पहले स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का कोबिशंट वन और माइनस वन करना है यदि एक्स स्क्वायर के टर्म पॉजिटिव है तो मैं एक द कोशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज वन एक्स स्क्वायर की टर्म निगेटिव है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर तो मेक द कोविशेंट ऑफ एक्सक्र एस माइनस वन मैंने फर्स्ट स्टेप मेक द कोवशन ऑफ एक्स स्क्र एस वन और माइनस वन बाद में ऐड करना है थर्ड टर्म थर्ड टर्म ऐड सप्ट्रैक्ट करके एवेल्युएट करेंगे ऐड एंड सप्रैक्ट थर्ड टर्म एंड देन इवेल्युएट थर्ड टर्म का फॉर्मूला कौन सा है हाफ कोट ऑफ एक्स होल्ड स्क्वेयर ये फॉर्मूले से थर्ड टर्म निकालना है थर्ड टर्म सेकंड टर्म के बाद में एड और सप्ट्रैक करेंगे यदि इंटीग्रेशन टाइप नंबर वन का है जैसे टाइप नंबर वन में फर्स्ट इंटीग्रल है तो सेवन फॉर्मूला से फॉर्मूला नंबर टू सिक्स सेवन तीनों में से एक यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला नंबर टू सिक्स और सेवन तीन में से कोई भी एक टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो जाएगा रूट वाले फॉर्मूला में फॉर्मूला नंबर वन फॉरूला नंबर थ्री और फॉरना नंबर फोर कोरोना नंबर वन है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स नंबर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉइंट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क् माइनस ए स्क्वायर फॉरोना नंबर टू विदाउट रूट वाले फॉरना है वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क् माइनस ए स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स ंग प्रॉपर फॉर्मूला सोल्व द इंटीग्रल इंटीग्रल सॉल्व करना है सिंपल टाइप है एग्जाम्पल so, लेते हैं फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्स एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव लेट गेवन इंटीगरियल गेवन इंटीरियर इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्स एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव डी एक्स पहले स्टेप लेते हैं कि कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्र वन और माइनस वन होना यहाँ पे एक्स स्क् का कोविशेंट है वन वन करेक्ट है इसका मतलब अपने को एड करना है सब एड सब करना है थर्ड टर्म थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मिला कौन सा है थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ क्वेपेंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर थर्ड टर्म का फॉर्मुला है हाफ क्वेपेंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर और एक्स का कोबेशन यहाँ पे सिक्स यानी वन बाई टू इंटू सिक्स होल स्क्वायर वन बाई टू इंटू सिक्स यानी थ्री थ्री का स्क्वायर है नाइन तो नाइन इज द थर्ड टर्म अब थर्ड टर्म हो गया नाइन नाइन थर्ड टर्म ऐड और सब्ट्रैक करेंगे सेकंड टर्म के बाद में फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स सेकेंड टर्म इसके बाद में ऐड और सब्ट्रैक नाइन ये प्लस नाइन माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव एज इट इज़ इसके बाद में फर्स्ट थ्री टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स अब लास्ट टू टर्म्स लेते वक्त माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव कंसिडर करना है नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव लेना नहीं है इट इज़ माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव तो पहले तीन टाइम है एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन फर्स्ट टर्म का रूट एक्स मिडल टर्म के साइन प्लस और नाइन का रूट थ्री यानी एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन दिस इज एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। और माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव इट इज प्लस सिक्सटीन नॉट माइनस सिक्सटीन माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव इट इज प्लस सिक्सटीन यानी ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन बाद में को लिखना है फोर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बाय एक्स प्लस थ्री होल प्लस फोर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्र डीएक्स फॉर्मूला वन बाय इन वर्स ऑफ एक्स बाय

थर्ड टर्म क्या फॉर्मूला हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट है सिक्स तो सिक्स का हाफ ये और अली करना है सब सिक्स का हाफ थ्री और थ्री का स्क्वायर नाइन तो नाइन इज द थर्ड टर्म थर्ड टर्म एड सप्रैक करेंगे सेकंड टर्म के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स बाद में प्लस नाइन माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव एज इट इज फर्स्ट थ्री टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन हो गया एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर पहली टर्म है एक्स तो यहाँ लिखेंगे एक्स सेकेंड टर्म के साइन प्लस सिक्स एक्स प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस बाद में नाइन नाइन का स्क्वायर रूट थ्री तो दिस इज एक्स प्लस थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स रहा तो माइनस थ्री लेना है माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री होल स्कर इनकेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन बाद में माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव दैट इज़ प्लस सिक्सटीन यहाँ पर जनरली कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव दैट इज़ प्लस सिक्सटी प्लस सिक्सटीन सिक्सटीन यानी फोर

डिनोमिनेटर में से टू कॉमन निकालना है यानी वन बाई टू कॉमन और वन बाय टू कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर के तीनों टर्म को डिवाइड करेंगे टू से ये वन बाय टू वार आ गए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस थ्री बाई टू एक्स प्लस फाइव बाई टू डिडी थ्री टर्म्स टू कॉमन निकाल लेना है डिवाइड करना है टू से कॉमन मीस डिवाइड ऑपरेशन एक टू एक्स स्क्र अपॉन टू थ्री एक्स अपॉन टू फाइव अपॉन टू इसके बाद में आते हैं थर्ड टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला हाफ क्वेपेशन ऑफ एक्स होल स्क्यर एक्स का कोट है थ्री बाई टू कोई टू तो वन बाई टू इंटू थ्री बाय टू होल स्क्यर वन बाय टू इंटू थ्री बाय टू यानी थ्री बाय फोर और थ्री बाय फोर का स्क्वायर नाइन बाई सिक्सटीन तो नाइन बाई सिक्सटीन ये हो गए थर्ड टर्म थर्ड टर्म एड सब्ट्रैक्ट करेंगे वन अपॉन वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय टू एक्स प्लस नाइन बाई सिक्सटीन एड किए तो सबट्रैक्ट माइनस नाइन बाई सिक्सटीन प्लस फाइव बाई टू कोई भी टर्म ऐड सब्टैक्ट करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों साथ में आ गए एडिशन सब्टशन बाद में फर्स्ट थ्री टर्म्स पहले तीन टर्म लेने एक्स प्लस थ्री बाय फोर नाइन बाई सिक्सटीन का स्क्वायर रूट थ्री बाय फोर होल स्क्वायर और माइनस नाइन बाय सिक्सटीन प्लस फाइव बाय टू माइनस नाइन बाय सिक्सटीन प्लस फाइव बाय टू यहाँ पे एलसीएम आ गया सिक्सटीन डी एलशीएम डिनामिनेटर सेम है तो डिमोनेटर माइनस नाइन एज इट इज प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाय टू एट एट इंटू फाइव फोर्टी फोर्टी माइनस नाइन यानी थर्टी वन प्लस थर्टी वन बाय सिक्सटीन यानी लास्ट टू तो टर्म्स हो गए प्लस थर्टी वन बाय सिक्सटीन तो वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स थ्री बाई टू एक्स प्लस नाइन बाई सिक्सटीन यानी एक्स प्लस थ्री बाई फोर होल स्क्वायर प्लस थर्टी वन बाय सिक्सटीन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन प्लस फाइव बाई टू यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस आएगा नहीं ऐसा कंपल्सरी नहीं है माइनस नाइन बाई सिक्सटीन प्लस फाइव बाई टू इट इज़ प्लस थर्टी वन बाई सिक्सटीन पॉजिटिव टर्म यानी प्लस थर्टी वन बाई सिक्सटीन अब थर्टी वन बाई सिक्सटीन को लिखेंगे रूट थर्टी वन बाय फोर होल स्क्वायर रूट थर्टी वन बाय फोर होल स्क्वायर बाद में फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्र का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्र डी एक्स फॉर्मूला वन बाय ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बायस वी एक्स सेक्स प्लस थ्री बाय फोर ए मीन्स रूट थर्टी वन बाय फोर ए मीन्स रूट थर्टी वन बाय फोर वन बाय टू इन वन अपॉन वन बाय ए मीन्स वन अपॉन रूट थर्टी वन बाय फोर टेन इन ऑफ एक्स प्लस थ्री बाय फोर अपॉन रूट थर्टी वन बाय फोर रूट थर्टी वन बाय फोर फोर रूट के बाहर है ए टू वन इज़ टू 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 फोर टू न्यूमरेटर में ट्रांसफर टू बाय रूट थर्टी वन टेन इन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट थर्टी वन प्लस सी उसके बाद में लेते हैं थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन डी एक्स इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक्स का कोट है थ्री तो रूट के अंदर से थ्री यानी वन बाय रूट थ्री कॉमन रूट के अंदर से थ्री कॉमन लेना है कॉमन डिनोमिनेटर में से तो इसलिए लिखेंगे वन अपॉन रूट थ्री रूट के अंदर से थ्री कॉमन निकाले ने रूट के अंदर थ्री से डिवाइड करना है थ्री एक्स कर डिवाइड बाई थ्री एक्स कर फाइव एक्स बाई थ्री प्लस सेवन बाई थ्री इसके बाद में ऐड सबसे करना है थर्ड टर्म थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर एक्स को एक्स का कोएफिशिएंट है फाइव बाई थ्री एक्स का कोएफिशिएंट फाइव बाई थ्री हाफ इंटू फाइव बाई थ्री होल स्क्वायर हाफ इंटू फाइव बाई थ्री फाइव बाई सिक्स फाइव बाई सिक्स का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स फाइव बाई सिक्स का स्क्वायर है तो ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स हो गया थर्ड टर्म ऐड सब ट्रैक करना है वन बाई रूट थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायेर प्लस फाइव एक्स बाय थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स प्लस सेवन थ्री डी एक्स यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स अब लास्ट टू टर्म्स माइनस ट्वेंटी थर्टी सिक्स और एलसीएम है थर्टी सिक्स डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है थर्टी सिक्स डिवाइड बाय थ्री थर्टी सिक्स डिवाइड बाई थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू सेवन

वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स फॉर्मूला है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस प्लस के बाद में रूट एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी यहाँ पर एक्स के जगह पे पेटा है एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स बाई सी रूट फिफ्टी नाइन बाय सिक्स

रूट फिफ्टी नाइन बाय सिक्स का स्क्वायर फिफ्टी नाइन बाय थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स प्लस रूट फिफ्टी नाइन बाय थर्टी सिक्स सिंप्लीफाई कर लो एटी फोर बाय थर्टी सिक्स दैट इज सेवन 3, थ्री वन रूट थ्री लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस फाइव बाई सी एक्स प्लस सेवन बाय थ्री ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी नाइन बाय थर्टी सिक्स एटी फोर बाई थर्टी सिक्स एटी फोर बाय थर्टी सिक्स में सेवन बाई थ्री आंसर फोर नंबर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स डी एक्स यहाँ पर एक्स स्क् का कोट है माइनस फोर रूट के अंदर से फोर कॉमन लेना है माइनस फोर नहीं यदि एक्स का टर्म नेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव कॉमन निकाल के कोविशन लेना है माइनस वन यानि वन बाय रूट फोर कॉमन वन अपॉन अंडर रूट फोर कॉमन रूट के अंदर फोर से डिवाइड करेंगे यानी पहली टर्म फिफ्टीन बाय फोर प्लस फोर एक्स बाय फोर मीन्स एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर मीन्स माइनस एक्स स्क्वास इसके बाद में ऐड करना है थर्ड टर्म ऐड सब तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर एक्स का कोबेशन यहाँ पर है वन वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर वन बाय फोर थर्ड टर्म है थर्ड टर्म एड सब्राइक करना है अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन बाय फोर प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्र एक्सक्र के टर्म लास्ट में है तो लास्ट थ्री टर्म्स लेना है और फर्स्ट टू टर्म्स एक्स का टर्म यदि स्टार्टिंग में है तो फर्स्ट थ्री टर्म्स लास्ट टू टर्म्स और एक ध्यान में रखना है कि एक्स का टर्म यदि निगेटिव है तो इसके साथ में थर्ड टर्म निगेटिव आना चाहिए एक्स का टर्म पॉजिटिव है तो इसके साथ में थर्ड टर्म पॉजिटिव गलती है यहाँ पे यदि प्लस एक्स करे तो अपन पहले माइनस करेंगे बाद में प्लस करेंगे यानी एक्स का टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस वन बाय फोर एक्स का टर्म निगेटिव है तो माइनस वन बाय फोर फिफ्टीन बाय फोर प्लस वन बाय फोर यानी फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्सटीन बाई फोर सिक्सटीन बाय फोर यानी फोर इंटीग वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन अंडर रूट ऑफ फोर और ये तीनों टर्म ऐसे माइनस है इन कॉमन लिखता हो पहले एक्स एक्सक्वायर के टर्म माइनस एक्स स्क् का हो गया एक्स स्क्वायर बाद में प्लस एक्स का हो गया माइनस एक्स माइनस वन बाय फोर का हो गया प्लस वन बाय फोर और फोर मीन्स टू स्क्वायेर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय फोर दिस इज एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट ऑफ टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर फॉर्मूला नंबर वन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वे डीएक्स फॉर्मूला है सिर्फ साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय बायस यहाँ पर एक्स एलेटम एक्स माइनस वन बाय टू ए ए मीन्स टू वन बाय टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू अपॉन टू एक्स बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाय न्यूमारेटर डिनोमिनेटर बाय टू यानी पे आएगा टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर वन बाय टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी मल्टीप्लाई न्यूमारेटर डिनॉमिनेटर बाय टू एक्स इंटू टू टू एक्स माइनस वन बाय टू इंटू टू माइनस वन टू इंटू टू फोर फिफ्थ नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन फोर एक्स रेस टू फोर माइनस टू एक्स स्क् माइनस थ्री डी एक्स दैट आई टू गिवन इंटीग्रल अभी इंटीग्रेशन में पहले तो कंडीशन की न्यूमरेटर में वन होना यहाँ पे न्यूमरेटर वन नहीं है डिनोमिनेट में एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट यानी ए एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म होना वो भी नहीं है लेकिन एक्स रेस टू फोर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्र है और एक्स स्क्टेवेटिव टू एक्स तो न्यूमरेटर कंटेंस एक्स इसलिए के लेंगे सबसे पहले एक्स कर इक्वल टू टी फुट एक्स कर इक्वल टू टी एक्स कर इक्वल टू टी रख दिया तो डिनोमिनेटर आता फोर टी स्क्र माइनस ट्वाइस टी माइनस थ्री यानी क्वेटिक फैक्टर डेरिवेटिव ऑफ एक्स है एक्स टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी न्यूमरेटर है एक्स तो एक्स इंटू डीएक्स एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय टू यानी यहाँ पे आ गया वन इंटू डी टी बाय टू यानी फिर से टाइप वन बाय स्क्वेर प्लस बीएक्स प्लस सी का फॉर्म आता तो सबसे एक्सक्र इक्वल टू टी डे ऑफ एक्स स्क् टू एक्स टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी एक्स इक्वल टू डी टी बाय टू एंड द फॉर इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन वन अपॉन ये एक्स वहाँ से ले लिया एक्स डी एक्स में ला के चले गए डी टी बाई टू तो यहाँ पे बचेंगे वन वन अपॉन फोर टी स्क्र माइनस फाइव टी माइनस थ्री इन डी टी बाई टू अब डी टी बाई टू में से वन बाई टू कॉमन साथ में टी स्क्र का कोएफिशिएंट वन होना तो वन बाय फोर कॉमन वन बाय टू कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन डिनोमिनेट में फोर कॉमन लेते हैं डिनोमिनेट में फोर कॉमन लिए तो टी स्क्वायर माइनस टी बाय टू टी माइनस टी बाय टू माइनस थ्री बाय फोर डी टी बाद फोर कॉमन निकालेंगे वन बाय फोर बाहर में इसके बाद में थर्ड टर्म निकालना है थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला कौन सा है हाफ कोएफिशिएंट ऑफ टी होल स्क्वायर टी का को माइनस वन बाय टू वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर वन बाय सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन इज द थर्ड टर्म इन्हें हो गया टू इंटू वन बाय फोर फोर इंटू टू एट तो वन बाय एट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी स्क्वायर माइनस टी बाई टू प्लस वन बाय सिक्सटीन माइनस वन बाय सिक्सटीन ये माइनस थ्री बाय फोर एज इट इज एड सपरेट थर्ड टर्म यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स का कैलकुलेशन लास्ट टू टर्म्स है माइनस वन बाई सिक्सटीन माइनस थ्री बाय फोर में सिक्सटीन न्यूमरेटर माइनस वन सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर 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 इंटू थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन बाय सिक्सटीन नेगेटिव टर्म है माइनस थर्टीन बाय सिक्सटीन वन बाय एट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय दिस टी माइनस वन बाय फोर होल स्क्वायर माइनस थर्टीन बाय सिक्सटीन थर्टीन बाय सिक्सटीन यानी रूट थर्टीन बाय फोर होल स्क्वेयर रूट थर्टीन बाय फोर होल स्क्वेयर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वेर डीएक्स फॉर्मुला नंबर सिक्स वन बाय ट्वाइस है लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस है प्लस ए वन 8 एट इंटू वन बाई ट्वाइस ए ए मीन्स रूट थर्टीन बाई फोर लॉगऑप मोड एक्स यानी टी माइनस वन बाय फोर माइनस रूट थर्टीन बाई फोर एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए टी माइनस वन बाय फोर प्लस रूट थर्टीन वन बाई फोर प्लस ए फोर टू एट टू इंटू टू फोर वन बाय फोर रूट थर्टीन वन बाय फोर रूट थर्टीन नूमरेटर और डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई करना है लॉग ऑफ मॉड फोर टी माइनस वन माइनस रूट थ्री अपॉन फोर टी माइनस वन प्लस रूट रूट थर्टीन प्लस सी टी की वैल्यू है एक्स तो वन बाय फोर रूट थर्टीन लॉग ऑफ मॉड फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस रूट थर्टीन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट थर्टीन प्लस सी उसके बाद सिक्स नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन टू टाइम स्क्र एक्स प्लस सेवन टेन एक्स प्लस थर्टीन डीएक्स नेट आई गिवन इंटीग्रल आई टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्सर एक्स अपॉन टू टाइम स्क्र एक्स प्लस सेवन टेन एक्स प्लस थर्टीन डी एक्स डिनिटम है टेन एक्स केट है और डेरेट ऑफ टेन एक्स स्क्स इसलिए सबसे पहले सब्सटी टेन एक्स इक्वल टू टी टेन एक्स इक्वल टू टी तो सेक्स स्क्स डी एक्स स्क् एक्स डी एक्स मिला मिला के डी टी यानी यहाँ बचेंगे वन एंड एंडोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टाइस टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस थर्टीन सेक्स स्क्र एक्स डी एक्स मीन्स डी टी या गया इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म टी स्क् का कोई टू डिनोमिनेटर से टू यानी वन बाय टू कॉमन डिनोमिनेटर में टू से डिवाइड करने के बाद में आता है टी स्क्वायर प्लस सेवन टी बाय सेवन टी टू यानी सेवन बाई टू टी प्लस थर्टीन बाई टू डी टी बाद में ऐड करना है थर्ड टर्म ऐड और सब्राइड करना है थर्ड टर्म थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हाफ कोएफिशिएंट ऑफ टी होल स्क्वायर टी का कोएफिशिएंट है सेवन बाय टू वन बाय टू इंटू सेवन बाई टू होल स्क्वायर वन बाय टू इंटू सेवन टू यानी सेवन बाय फोर सेवन बाय फोर का स्क्वायर फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन दिस इज थर्ड टर्म थर्ड टर्म सेकेंड टर्म के बाद में एड सॉफ्ट यानी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉइंट टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी स्क्र प्लस सेवन बाई टू टी प्लस फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन माइनस फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन प्लस थर्टीन बाई टू योग यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म्स लास्ट टू टर्म्स अब लास्ट टू टर्म्स यानी माइनस फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन माइनस फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन प्लस थर्टीन बाय टू एल सी मांग सिक्सटीन न्यूमारेटर माइनस फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन डिवाइड बाय टू एट एट को थर्टीन से मल्टीप्लाई करना है वन जीरो फोर वन जीरो फोर माइनस फोर्टी नाइन it is plus 55 by 16 55 or 49 it is 104 104 minus 49 that is 55 55 by uh, 16 the denominator first three, three times. three terms and t plus 7 by 4 whole square the way plus 55 by 16 वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ अपॉइंट सेवन बाय फोर होल प्लस फिफ्टी फाइव होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बाई एक्स स्क् का फॉर्मूला सेकेंड नंबर का फॉर्मूला सेवन के लिस्ट में वन बाई ए इनवर्स ऑफ एक्स बायस सी वन बाय ए मीन्स बाय फिफ्टी फाइव बाई फोर वन बाय टू इन टू वन अपॉन ए ए मीन्स रूट फिफ्टी फाइव बाई फोर टेन इन ऑफ एक्स बाय ए एक्स यानी टी प्लस वन बाय फोर अपॉन ए मीन्स रूट फिफ्टी फाइव बाई फोर प्लस सी यहाँ पे टू वन इज टू 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 फोर टू पर ट्रांसफर हो गए टू बाय रूट फिफ्टी फाइव टेन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई करना है फोर टी प्लस सेवन अपॉन रूट फिफ्टी फाइव प्लस सी देन पुट टी मीन्स टेन एक्स टू बाय फिफ्टी फाइव

दोनों फॉर्म में नहीं दिखता अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेक एक्स को लिखेंगे वन बाय कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय कॉस एक्स डी एक्स एल सी एम लिए तो कॉस एक्स प्लस वन अपॉन कॉस एक्स आई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वन अपॉन कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस वन यानी वन प्लस कॉस एक्स रूट सेपरेट कर देंगे अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स बाय रूट कॉस एक्स डीएक्स वन प्लस कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला टू कॉसक्वायर एक्स बाय टू वन प्लस कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला टू कॉस स्क्र एक्स बाय टू न्यूमरेटर में आएंगे रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू और टू कॉस रूट नहीं हो रूट टू इंटू रूट कॉस स्क्वायर है कॉस एक्स बाय टू न्यूमेटर आ गया कॉस में तो डिनोमिनेटर होना साइन में साइन टू एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कॉस कॉस टू एक्स का कॉस टू एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वन माइनस टू साइंस स्क्र एक्स कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वन माइनस टू साइंस स्क्र एक्स बाय टू यहाँ पे कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे वन माइनस टू साइंस स्क्र एक्स बाय टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन रूट ऑफ वन माइनस टू साइंस स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स न्यूमेटर में रूट टू इन टू रूट कॉसक् एक्स बाय टू यानी कॉस एक्स बाय टू रूट के बाहर आ गया कॉस एक्स बाय टू डिनिनेटर है वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूशन साइन एक्स बाय टू इक्वल टू टी सब्सटीट्यूशन साइन एक्स बाय टू इक्वल टू टी डायरेक्ट साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू इंटू डेरेट ऑफ एक्स टू वन बाय टू डेरेट ऑफ साइन एक्स बाय है कॉस एक्स बाय टू इंटू डेरीविट ऑफ एक्स बाय टू डेरेट ऑफ एक्स टू वन बाय टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी न्यूअर एटम कॉस एक्स बाय टू और डी एक्स है कॉस एक्स बाय डी एक्स मीन्स ट्वाइस डी टी कॉस एक्स बायू डी एक्स इक्वल टू टू डी टी यानी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ट्वाइस टी और ये दोनों मिला के ट्वाइस डी टी आई कोर्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस ट्वीट टी स्क्स डी टी न्यूमरेटर में टू रूट टू कॉमन डिनोमिनेटर में ऐसे रूट टू कॉमन टू रूट टू कॉमन न्यूमरेटर में से रूट के अंदर से टू एन वन बाय टू कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफर अंडर रूट ऑफ वन बाय टू माइनस टी स्क्र डी टी रूट टू रूट टू कैंसिल यहाँ बोला टू इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफ अंडर रूट ऑफ वन बाय टू मीन्स वन बाय रूट टू होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय साइन इनवर्स अपॉन ए मीन्स वन बाय रूट रूट टू न्यूमारेटर में ट्रांसफर टू साइन इन ऑफ रूट टू इन टी प्लस सी एंड वॉट इज टी टी साइन एक्स बाय टू टू साइन इन ऑफ रूट टू साइन एक्स बाय टू प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एट माइनस साइन साइन टू एक्स डी एक्स लेट आई इक्वल टू गिव इंटीग्रल और ये टाइप में न्यूमारेटा में कॉसेक्स माइनस साइन एक्स है कॉसेक्स प्लस साइन एक्स ट में सबस्टिट्यूशन लेना है इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमारेटर इक्वल टू टी इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमारेटर इक्वल टू टी इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमारेटर लादना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू न्यूमरेटर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स यानी सब्सटीट्यूशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी अब ऐसा सब्सटीट्यूशन क्यों लेते हैं अपन क्योंकि इसके डेरेवेटिव यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के डेरेवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है इसके डेरिवेटिव और डी एक्स डेरेवेटिव इन टर्म इंटू डी एक्स में ला के आ गया डी टी और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी इसके ऊपर से साइन टू एक्स निकाल सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के डेरेटिव कॉस एक्स माने साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी साथ में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल्सकरवल टू आ गया टी स्क्वायर ये टर्म के ऊपर से दोनों साइड का स्क्वायर करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल्स कर टिग्नोमेटिक फॉर्मूला है वन प्लस साइन टू एक्स फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्र में वन प्लस साइन टू एक्स है इक्वल टू टी पे साइन टू एक्स के वैल्यू रखना है साइन टू एक्स इक्वल टू टी स्क् माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एट माइनस साइन टू एक्स डी एक्स सब्सटीट्यूशन से ले करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू टी है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो सब्सटीट्यूशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिखना है डी टी बाद में दोनों साइड का स्क्वायर के लिए यहाँ पे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल्स कर इक्वल टू टी स्क्वायेर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला वन प्लस साइन टू एक्स ट्रिकनोमेटिक फॉर्मूला साइन टू एक्स इक्वल टू टी माइनस वन यानी डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स के आएंगे टी स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्व टू लिखना है डी टी एंडोर आई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एट माइनस टी स्क्र माइनस वन डीटी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एट माइनस टी स्क्र माइनस माइनस प्लस वन डी टी एट प्लस वन हो गया नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन बायट ऑफ नाइन माइनस टी स्क्र डी टी नाइन एने थ्री स्क्वर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट थ्री स्क्वेर माइनस टी स्क्वेर डी टी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्एक्स फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी साइन इनवर्स ऑफ टी बाय थ्री एक्स बाय ए टी बाय थ्री प्लस सी टी क्यों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री प्लस सी इस तरीके से टाइप नंबर थ्री इट्स कंप्लीटेड बाद में टाइप नंबर फोर टाइप नंबर थ्री और फोर सिमिलर है सिर्फ टाइप नंबर थ्री में न्यूमरेटर है वन टाइप नंबर फोर में टाइप नंबर फाइव में न्यूमरेटर है पी एक्स प्लस क्यू जो लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में